Hey guys, welcome to Arya Group of Colleges. This is Shailesh Kapoor and we are going to learn Engineering Physics today. इस वीडियो बुक में हम लोग Engineering Physics के फर्स्ट यूनिट दैट इज वेव ऑप्टिक्स इसके बारे में लर्न करेंगे. वेव ऑप्टिक्स में हम लोग वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन, इंटरफेरेंस के थ्रू न्यूटन सिंह का बनना देखेंगे और माइकलसन इंटरफेरोमीटर की थोरोली स्टडी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास में डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में हमारे पास में सिलेबस में फ्रोन ऑफ अ डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लेट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जिसमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसकी थ्योरी और किस तरह से उसका स्पेक्ट्रम बनता है ये हम लोग देखेंगे. देन रिजॉल्विंग पावर एंड रैले क्राइटेरिया. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक दैट इज वेव. जैसा कि आप लोग क्लास 12 में पढ़ कर आए वेव मोशन के बारे में कि वेव किस तरह से फॉर्म होती है. इसमें हमारे पास में एक्स एक्सिस पर टाइम एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को लिया गया है और एक बेसिक वेव फॉर्म आपके सामने इस तरह से होती है कुछ जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. वेव्स की कुछ बेसिक डेफिनेशंस, फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड जिसे हिंदी में हम लोग आयाम कहते हैं, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, पार्ट डिफरेंस जिसे हिंदी में पथांतर और फेज डिफरेंस जिसको हिंदी में कलांतर कहा जाता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है. तो एम्पलीट्यूड किसी भी वेव की, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी वेव की मैक्सिमम पोजिशन डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड या आयाम. इसी से अगर इसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन देखा जाए तो वो भी वेव का आयाम होता है या एम्पलीट्यूड होता है. लेकिन एग्जैक्टली हमारे पास में इसकी डेफिनेशन जो होती है, किसी भी टाइम पर्टिकुलर पर अगर वेव का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो उसको भी हम लोग एम्पलीट्यूड ही कहेंगे. यहां पर जैसे मैंने दिखा रखा है ये भी वेव का एम्पलीट्यूड ही है एट पर्टिकुलर टाइम. इसी तरह से यहां पर हम लोग देख सकते हैं किसी इस टाइम पर वेव का एम्पलीट्यूड दिस. ये जो आप लोगों ने पहले देखा हुआ है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट सबसे नीचे की तरफ और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड, बट इनको भी हम लोग एम्पलीट्यूड कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन है वेवलेंथ जिसे हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है किन्हीं भी दो क्रस्ट या ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, या हिंदी में बोला जाए दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रफ. ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी, बट एग्जैक्टली किन्हीं भी दो सक्सेसिव पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ. यहां पर मैंने तीन अलग अलग तरह की वेवलेंथ दिखाई है आपको, दिस एंड दिस. नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कितनी वेव्स हमारे पास में बन रही है उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी. कितनी वेव्स का मतलब एक कंप्लीट वेव का बनना, एक सेकेंड में इस तरह से हमारे पास में कितनी वेव्स फॉर्म हो रही है, कितनी वेव्स बन रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट इज पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच में उन्होंने कितना पाथ ट्रेवल किया है उस उन दोनों के पाथ के डिफरेंस को हम लोग कहेंगे पार्ट डिफरेंस. इसी तरह से हमारे पास में लास्ट डेफिनेशन है दैट इज फेज डिफरेंस या कलांतर. जैसा कि आप लोग जानते हैं किसी भी एक टाइम पर वेव की जो डायरेक्शन होती है वो उसके टेंजेंट या उसके स्पर्श रेखा के थ्रू हम लोग शो करते हैं. जैसे यहां आपको डायग्राम में नजर आ रहा है इनिशियली वेव का फेज या उसकी डायरेक्शन ये है. अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स या दो टाइम्स पर हम लोग वेव की डायरेक्शंस का डिफरेंस निकाले तो दैट विल बी फेज डिफरेंस, हिंदी में उसको कलांतर कहेंगे. तो ये है वेव की कुछ बेसिक डेफिनेशन जो वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास में काम में आने वाली है. नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन आप लोग अच्छे से जानते हैं क्लास 12 की सेम डेफिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा लाइट वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो उनके सुपर इम्पोज होने से उनकी एम्पलीट्यूड में कुछ मॉडिफिकेशन या उसमें कुछ चेंज आ जाता है. इसी चेंज की वजह से उसकी इंटेंसिटी में भी फर्क आता है. इस इंटेंसिटी के चेंज को या इंटेंसिटी के मॉडिफिकेशन को हम लोग कहेंगे इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस हमारे पास में बेसिकली दो टाइप का होता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव एंड अनदर वन इज डिस्ट्रक्टिव. हिंदी में कंस्ट्रक्टिव को बोलते हैं संपोषी और डिस्ट्रक्टिव को बोलते हैं विनाशी. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज मिलती है, इसी के उल्टा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिलती है डार्क फ्रिंज. तो अब हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कैसे है, या हिंदी में कहा जाए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हमारे पास में किस तरह से प्राप्त होता है, किस तरह से मिलता है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने वेव फॉर्म की बात की थी, यहां मैंने दो लाइट वेव्स को काम में लिया है. जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड A1, एक और वेव यहां पर काम में ली जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास में होगा A2.
अब इन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से या अध्यारोपण की वजह से एक न्यू वेव जनरेट होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये इन दोनों के मिलने से या सुपर इम्पोज अध्यारोपण के कारण एक नई वेव बनी है। तो हमें ये देखना है कि जो न्यू वेव हमारे पास में फॉर्म हो रही है, यहाँ पर नई एक जो वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। उसका एम्पलीट्यूड अध्यारोपण के सिद्धांत के अकॉर्डिंग या सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों का अल्जेब्रिक सम होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ इन दोनों वेव्स का येलो और रेड कलर की जो दो वेव्स दिखाई है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड को यहाँ शो किया है, और इन दोनों का सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जो एडिशन होगा वो ये ब्लू कलर का दिखाई देगा, जो कि मैंने आपको यहां दिखाया है। दैट इज अल्जेब्रिक सम A1 प्लस A2। ये हमारे पास से जो न्यू वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास में सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्सिस, दो वेव्स जिनके एम्पलीट्यूड A1 और A2। बट यहां पर दोनों वेव्स में खास बात यह है कि एक वेव और दूसरी वेव, दोनों वेव के जो फेज है, जो उनकी डायरेक्शन है, वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। एक वेव पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है और दूसरी नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास में A2 है। अब जो न्यू वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसी न्यू वेव का अगर एम्पलीट्यूड चेक करना हो तो किस तरह से होगा, अगेन सुपरपोजिशन थ्योरम, इन दोनों का अल्जेब्रिक सम, इन दोनों के जुड़ने से जो न्यू वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड होगा ये ब्लू कलर का साइज या ब्लू कलर का एम्पलीट्यूड। तो ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो रही है, तो इस वजह से हमारे पास में इनका इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह आपको पता चल गया होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह से हमें मिलती है या सुपरपोजिशन थ्योरम को हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं। तो इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस कुछ इस तरह से है, दोनों लाइट वेव्स जो भी इंटरफेयर कर रही है या सुपर इम्पोज हो रही है वो दोनों कोहरेंट होनी चाहिए। कोहरेंट का मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, उनकी वेवलेंथ सेम हो, उनका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम हो, एंड पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली जीरो हो। इसके अलावा हमारे पास में अगर ये स्लिट्स के थ्रू बनाई जा रही है तो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, ये बहुत कम होना चाहिए, और स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, जिससे हमारे पास में जो फ्रिंजेस है वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगी। वेव ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस स्टार्ट करने से पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी हमें देखना पड़ेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्लास 12th ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर, यहाँ ये ब्लू कलर की जो स्लैब नजर आ रही है दैट इज रिफ्लेक्टिव सरफेस, या हम लोग इसको मिरर या हिंदी में दर्पण कहते हैं, जब इसके ऊपर लाइट वेव इंसिडेंट होती है तो सबसे पहला काम जो आप यहाँ पर करेंगे वो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है वहां पर आप लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, हिंदी में उसे अभिलंब कहा जाता है। जैसे कि यहाँ आपको नजर आ रहा है ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ नॉर्मल के साथ में जिस एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उतना ही एंगल बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है। तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। इसी की तरह हमारे पास में रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के लॉज हमारे पास में कुछ इस तरह से होते हैं, या ये फिनोमिना हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक रिफ्रैक्टिव सरफेस जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, आर पार दिखने वाली, पारदर्शी, जब इसके ऊपर कोई लाइट वेव इंसिडेंट करवाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही जैसे रिफ्लेक्शन में आपने किया था, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस नॉर्मल के साथ में जिस एंगल पर लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंग, या हम लोग इनके मीडियम के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में, तो लाइट अपने पथ पर ना जाकर नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल इट्स बैंड, कुछ इस तरीके से। और अगर इसी का उल्टा किया जाए कि डेंसर टू रेयरर मीडियम में लाइट जाए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते हुए लाइट बैंड होते हुए अपने पाथ पर ट्रेवल कर जाए। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 12th ऑप्टिक्स में। लेकिन इसी के साथ में हम लोग जानते हैं किसी भी रिफ्रैक्टिव सरफेस या ट्रांसपेरेंट मीडियम पर जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन के साथ में उसका परावर्तन भी होता है, रिफ्रैक्शन के साथ में लाइट का रिफ्लेक्शन भी होता है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसमें हमारे पास में खास बात कि जिस एंगल पर लाइट आई है उसी एंगल पर आई इक्वल्स टू आर होते हुए लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है। वेव ऑप्टिक्स के बेसिक्स को जानने के बाद भी हमारे पास में इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूटन सिंक्स। न्यूटन सिंक को समझने के लिए हमें वैसे तो वेव शेप्ड एयर फिल्म्स और वेव शेप्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन इसमें हम लोग न्यूटन सिंक के थ्रू इसी फिनोमिना को क्लियरली समझ सकते।
न्यूटन सिंह एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास में सबसे पहले जरूरी होता है एक प्लेन ग्लास प्लेट, उसके ऊपर हम लोग रखते हैं एक बहुत बड़े कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल मतलब कि जिसका एक सरफेस प्लेन हो और दूसरा सरफेस उत्तल। इंग्लिश में इस चीज को बोलेंगे एक सरफेस हमारे पास में प्लेन और अनदर वन इज कॉन्वेक्स। तो ये हमारे पास में होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसका कर्वेचर या जिस लेंस के स्फीयर में से इसको कट किया गया है वो बहुत ही बड़े साइज का होता है। तो अगर किसी बहुत बड़े स्फीयर में से, बहुत बड़े गोले में से लेंस को अगर एक पतली सी स्लाइस कट की जाए, तो उसके लिए यहां पर जो ब्लैंक स्पेस आपके पास में बनेगा, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस नजर आ रहा है ये बहुत ही कम होगा। मतलब कि यहां पर जो एयर होगी उसकी जस्ट अ फिल्म प्रिपेयर होगी, बहुत पतली सी एक फिल्म तैयार होगी। इसी फिल्म की वजह से और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की शेप की वजह से हमारे पास में इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार होता है। अब किस तरह से ये बनता है, किस तरह से हमारे पास में लाइट वेव्स इंटरफेयर करती है, सुपर इम्पोज करती है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले बहुत बेसिक देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास में लाइट का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहले एक लाइट वेव हम लोग काम में लेंगे। ये लाइट वेव पॉइंट ए पर इंसिडेंट हो रही है और पॉइंट ए पर इंसिडेंट होने के बाद में ये रेयरर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है, अपवर्तित हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को, जैसा आपको पहले बताया था प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, कि सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अभिलंब बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो रेयरर टू डेंसर, विरल से सघन माध्यम में जाने की वजह से, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाने की वजह से लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल अभिलंब की ओर झुक जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब पॉइंट बी पर जब ये पहुंचती है तो यहां पर भी हम लोग सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाना, सघन से विरल माध्यम में जाना, क्योंकि लाइट यहां पर ग्लास में से पास होकर एयर में आ रही है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में आ रही है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका एक्चुअल पाथ था जिस जगह मेरा माउस का कर्सर चल रहा है, लेकिन ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अपने पास से दूर होते हुए, नॉर्मल से दूर होते हुए पॉइंट सी पर इंसिडेंट होगी। पॉइंट बी पर जहां इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, उस पॉइंट पर हमारे पास में, जैसा रिफ्रैक्शन में हमने देखा था कि लाइट का रिफ्रैक्शन होने के साथ में रिफ्लेक्शन भी होता है। तो इस तरह से लाइट बी से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक जो कि नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट हो रही है और अनदर वन रिफ्लेक्ट हो रही है। जो लाइट हमारे पास में रिफ्रैक्ट हुई है वो अगेन यहां पर हम लोग उसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी पर, और लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई थी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद में पॉइंट डी पर पहुंचेगी। हर बार आपको इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, और रेयरर टू डेंसर जाते हुए लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होते हुए पॉइंट ई पर पहुंच रही है। उसी के साथ साथ बी पॉइंट पर जो लाइट वेव रिफ्लेक्ट हुई थी वो पॉइंट एफ पर पहुंच रही है। यहां से जब हम इन दोनों के लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हुए इनको बाहर निकालेंगे, मतलब रेयरर मीडियम वापस अपने मीडियम में वापस आएगी, तो कुछ इस तरह से ये बैंड हो जाएगी। इसी से पॉइंट एफ पर जो लाइट रे आर टू पहुंची थी वो हमारे पास में कुछ इस तरह से बैंड होते हुए बाहर मिलेगी। इन दोनों लाइट वेव्स में इंटरफेरेंस होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि दोनों कभी भी किसी पॉइंट पर जाकर मीटअप नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का स्प्रेड, इन दोनों के बीच का फैलाव लगातार बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में कोई न्यूटन रिंग्स या कोई इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं मिलेगा, या मिलने का चांस बहुत ही कम होगा। तो सबसे पहली चीज जो इसमें जरूरी है इंटरफेरेंस पैटर्न लेने के लिए, इन दोनों लाइट वेव्स का बिल्कुल पैरेलल आना, समानांतर आना, तभी हमारे पास में इनमें इंटरफेरेंस होगा। इस चीज को करने के लिए हम लोग वापस एक प्लेन ग्लास प्लेट, एयर फिल्म और कॉन्वेक्स लेंस को लेंगे। एयर फिल्म इसमें अपने आप फॉर्म हो जाती है, और इस बार लाइट वेव को हम लोग इंसिडेंट करवाएंगे, जो कि हमने किसी एक एंगल पर इंसिडेंट करवाया था। अब हम लोग इस लाइट वेव को इंसिडेंट करवाएंगे बिल्कुल 90 डिग्री पर, इस सरफेस पर बिल्कुल 90 डिग्री पर, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल पर इंसिडेंट होना। अगर लाइट किसी सरफेस पर नॉर्मल पर इंसिडेंट हो रही है तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि आर जो लाइट वेव ए पॉइंट पर इंसिडेंट हुई थी वो बिल्कुल सीधी डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर गई। डेंसर मीडियम से जब ये लाइट पॉइंट बी पर इंसिडेंट हुई तो यहां पर इसका नॉर्मल कुछ इस तरह से बन रहा है, मतलब कि पॉइंट बी पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो नॉर्मल पर इंसिडेंट नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में लाइट वेव डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाते हुए अवे फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेवल कर जाएगी। जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पॉइंट बी पर लाइट के दो पार्ट्स हो रहे हैं, एक लाइट वेव रिफ्रैक्ट और दूसरी रिफ्लेक्ट हो रही है, अपवर्तित और परावर्तित।
परावर्तित जो लाइट वेव है या रिफ्लेक्टेड लाइट वेव पॉइंट एफ पर पहुंच रही है, और बी से जो रिफ्रैक्ट लाइट हुई थी, अपवर्तित हुई थी, वो पॉइंट सी पर आ रही है। सी पर अगेन पहले की तरह एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद में पॉइंट डी पर रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन कुछ इस तरीके से। पॉइंट ई तक लाइट वेव जाएगी। अब पॉइंट ई और एफ से निकलने वाली लाइट वेव हमारे पास में लगभग एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। लगभग पैरेलल होने की वजह से इनका सुपरपोजिशन इजीली हो जाता है और आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है कुछ इस टाइप से। ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास में बिल्कुल सर्कुलर रिंग्स होती है। यहां पर आपको सेंटर में एक डार्क फ्रिंज नजर आ रही है, उसके बाद में ये जो व्हाइट कलर है ये हमारे पास में ब्राइट फ्रिंज कहलाती है, और फिर एक रिंग जो कि डार्क कलर की है, तो ये डार्क फ्रिंज और अनदर वन इज ब्राइट फ्रिंज। इसको एक बार जूम करके देख लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा इससे। यहां पर आपको सेंटर में डार्क फ्रिंज, उसके बाद में ये जो खाली जगह नजर आ रही है दैट इज नोन एज ब्राइट फ्रिंज, अगेन डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। इससे कंटिन्यूसली आपके पास में ये सर्कुलर पैटर्न नजर आता है जो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स कहलाती है, जिनका सेंटर एक हो उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। ये था हमारे पास में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के थ्रू न्यूटन रिंग्स का बनना। इस चीज को हम लोग लैब में या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो अब देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमारे पास में न्यूटन रिंग का है वो सेम उसी टाइप से प्लेन ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये पूरा जो सेटअप है आपके पास में प्लेन कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट का, ये एक चैम्बर में क्लोज रहता है जिसकी वजह से इनके बीच में कोई मोशन नहीं हो पाता, मतलब कि ना तो ये हिल पाएगा अपनी जगह से, ना ही हमारे पास में एयर फिल्म की शेप चेंज होगी। इसके साथ में हमें जरूरत होती है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मीनिंग है एक वर्णीय प्रकाश, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं एक वर्णीय प्रकाश, और इंग्लिश में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। इसका मीनिंग कि ऐसा लाइट सोर्स जिससे सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर की लाइट मिले या फिर एक ही वेवलेंथ की लाइट मिले। हर कलर अपने आप में एक वेवलेंथ कंटेन करता है, एक ही वेवलेंथ होती है उसकी, या फिर वाइस वर्सा हम लोग ये बोल सकते हैं एक वेवलेंथ के थ्रू हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर मिलता है। तो ऐसी लाइट वेव जिससे सिर्फ और सिर्फ एक कलर की लाइट मिले तो वो होगी मोनोक्रोमेटिक लाइट, और ऐसा सोर्स जो मोनोक्रोमेटिक लाइट देता हो उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स के साथ में हमें जरूरत होती है एक माइक्रोस्कोप की, और इन पूरे सेटअप के बीच में हमारे पास में एक ग्लास प्लेट होती है जो कि 45 डिग्री पर इंसिडेंट रहती है। ये 45 डिग्री पर क्यों इंसिडेंट है इसका रीजन हम लोगों को कुछ देर बाद पता चलेगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से जो लाइट निकलती है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलती है, इसीलिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कॉन्वेक्स लेंस की। इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पर इस सोर्स को रखा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट वेव निकलती है, तो फोकस से निकलने वाली लाइट जब कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद में ऐसी लाइट वेव बिल्कुल पैरेलल ट्रेवल करने लगती है, बिल्कुल पैरेलल। अब ये पैरेलल लाइट वेव प्लेन इस ग्लास प्लेट के ऊपर 45 डिग्री पर इंसिडेंट होगी, क्योंकि यहां पर अगर इसका नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो नॉर्मल के साथ में बनने वाला एंगल 45 डिग्री का ही होगा। तो अगर 45 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री पर होगा। तो इन दोनों लाइट वेव्स के बीच में, इंसिडेंट लाइट वेव और रिफ्लेक्टेड लाइट वेव, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये 90 डिग्री एंगल पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर वाले सरफेस पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी। इट मीन कि अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए तो यहां पर ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, इन तीनों पॉइंट पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास में इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने के चांस अच्छे हो जाते हैं। जो लाइट वेव नॉर्मली इंसिडेंट हुई थी बिल्कुल वही फिनोमिना जैसा हमने पहले देखा था, उसी फिनोमिना को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होकर फाइनली हमें बाहर मिलेगी अपने खुद के मीडियम में और वापस ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होगी। इस ग्लास प्लेट से लाइट का इस बार होगा रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से। रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट अगेन रिफ्रैक्ट होगी डेंसर टू रेयरर मीडियम और हमें माइक्रोस्कोप पर इन तीनों का इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा। ये इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपको पहले बताया था। तो इस तरह से हमारे पास में न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब इस न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का हमें बेनिफिट क्या, इस न्यूटन रिंग के थ्रू हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर जो एयर फिल्म बन रही है या फिर ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इन सबकी थिकनेस पता कर सकते हैं, इनकी मोटाई पता कर सकते हैं। सपोज यहां पर कोई अगर एयर फिल्म है तो उसकी मोटाई आपको पता की जा सकती है इसमें, मतलब बहुत ही पतली एयर फिल्म, बहुत ही पतली किसी भी ऑयल की फिल्म या किसी मीडियम की फिल्म, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसी तरह से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस
इसकी मोटाई पता कर सकते हैं, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर सकते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होंगे। फर्दर एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, इसमें लाइट जो भी आप यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसकी वेवलेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग आने वाली स्लाइड्स, आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। जो एयर फिल्म है उसकी थिकनेस कितनी है किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, वो पता करेंगे। तो इसके लिए वैसे ही बिल्कुल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट, इनके बीच में हमारे पास में एक एयर फिल्म फॉर्म हो रही है। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिस कर्वेचर से लिया गया है, जिस स्फीयर में से लिया गया है, वो कुछ इस तरह से है, जिसका एक सेंटर होगा दैट इज सी। इस सी से अगर मैं कोई किसी भी दो पॉइंट्स को अगर मीटअप करवाऊं, किसी भी पॉइंट को, जैसे यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए, तो वो क्या होगी हमारे पास में इस पूरे कर्वेचर का रेडियस। यहां पर मैंने दो तरह से रेडियस को दिखाया, एक ये और एक ये। नाउ हमारे पास में ये जो जगह है, जिस जगह को मैंने एयर फिल्म बोला था, इस पूरी एयर फिल्म की थिकनेस हम लोगों को पता करनी है। तो ये थिकनेस हम लोग टी अज्यूम कर लेते हैं। ऐसी कोई भी एक बीच का पॉइंट ले लेते हैं, वहां पर भी हमारे पास में एयर फिल्म बन रही होगी, जो कि आपको साइड से कुछ हिस्सा से दिखाई देगी, और उस फिल्म की प्लेन ग्लास प्लेट से जो थिकनेस है वो कुछ टी एन अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग अज्यूम करेंगे एनएथ नंबर की फ्रिंज होगी। यहां पर एनएथ नंबर की डार्क फ्रिंज भी हो सकती है, एनएथ नंबर की ब्राइट फ्रिंज भी हो सकती है, या तो ये काली फ्रिंज होगी या चमकीली फ्रिंज होगी। तो इसी के बेस पर हम लोग आगे स्टडी करेंगे इसकी। यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं, जैसे एन पी ओ। अब जो ये थिकनेस है हमारे पास में, उसकी रेडियस, जैसे एन से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज रेडियस ऑफ दैट रिंग। ये है हमारे पास में एन पी, उस जगह पर बनने वाली जो फ्रिंज है उसकी त्रिज्या, रेडियस आर एन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वे शेप्ड एयर फिल्म या वे शेप्ड सरफेस पर हमारे पास में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, उसके लिए पार्ट डिफरेंस की वैल्यू होती है कुछ ये। पार्ट डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास में फॉर्मूला क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहां पर डेल्टा पार्ट डिफरेंस, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो कि यहां पर एयर फिल्म है हमारे पास में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो हमारे पास में 1 होता है, लेकिन हम लोग पूरी कैलकुलेशन म्यू के साथ में करेंगे। टी इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, आर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो कि हम लोग आने वाले टाइम में इस वेवलेंथ को भी डिटरमाइन करेंगे। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल सी पी एन के अंदर, सी पी एंड एन, तो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा बेस इज आर एन एंड हाइपोटेनस इज आर। अगर आधार की बात की जाए यहां पर, तो आधार है आर एन और कर्ण सी पी दैट इज आर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप सी एन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू सी एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। सी एन इज परपेंडिकुलर, आर एन इज बेस, और सी पी दैट इज आर, जो कि हमारे पास में कर्ण या हाइपोटेनियस है। तो यहां से हम लोग एक वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज सी एन इक्वल टू आर माइनस एन ओ। सी एन ये डिस्टेंस जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, सी एन ये कंप्लीट सी से लेकर ओ तक की डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास में कैपिटल आर, रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर। और उसमें से अगर एन ओ को माइनस कर दिया जाए, सी ओ में से एन ओ को माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास में सी एन रिमेनिंग रहेगा, बचेगा। तो सी एन की वैल्यू हम लोग कुछ हिस्सा से लिख सकते हैं, और एन ओ हमारे पास में है टी एन के इक्वल, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हम लोग आर माइनस टी एन होल स्क्वायर को ओपन करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो जब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहां पर, तो हमारे पास में कुछ ये रिजल्ट आएगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस टी एन स्क्वायर माइनस टू आर टी एन। जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और रिमेनिंग इज दिस आर एन स्क्वायर इक्वल टू टी एन स्क्वायर माइनस का और प्लस टू आर टी एन। मैंने इन दोनों को इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर गया हूं, तो जिससे हमारे पास में ये रिजल्ट आ रहा है। नाउ वी कैन से टी एन इज वेरी लेस देन आर, जो थिकनेस ऑफ एयर फिल्म है वो इस कर्वेचर के मुकाबले बहुत छोटा है। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं जो टी एन का स्क्वायर है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा। तो अगर ये चीज जीरो हो जाए, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास में रहेगा आर एन स्क्वायर इक्वल टू टू आर टी एन। इसको सोल्व करके हम लोग टी एन की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, दैट इज आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू आर। थिकनेस ऑफ एयर फिल्म पता करने के बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज
डायमीटर और ब्राइट रिंग, जो ब्राइट कलर की हमारे पास में रिंग्स नजर आ रही है उसका डायमीटर या व्यास पता करना। इसके लिए हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 2μt cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2। लास्ट डेरिवेशन के अंदर मैंने यहाँ पर r यूज किया था, इस बार हम लोग इसको थीटा यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में ये है और ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास में एक कंडीशन हुआ करती थी जो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ा है, ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये कंडीशन आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो डेल्टा हमारे पास में एक वैल्यू ये है और डेल्टा इक्वल्स टू ये भी है, तो दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी 2μt cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। जैसे कि आपको नजर आ रहा है लैम्डा बाय 2 को हम लोग इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगी 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, क्योंकि यहां पर लैम्डा बाय 2 प्लस का है, दूसरी साइड जाकर माइनस का होगा और सोल्व करने पर ये बनेगा। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंस एंगल थीटा न्यूटन सिंह के अंदर इंसिडेंस एंगल हमारे पास में या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसमें जो सरफेस पर हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो 0 डिग्री रहता है, नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, ना कि हम लोग सरफेस के साथ बनने वाला एंगल लेते हैं। हमेशा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में एंगल जो यूज होता है दैट इज एंगल विद नॉर्मल अभिलंब के साथ बनने वाला कोण। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 1। तो इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट करेंगे, आंसर हमारे पास में आएगा 2μt इक्वल टू 2n माइनस 1, कॉस थीटा यहां से 1 की फॉर्म में अलग हो गया, खत्म हो गया। तो इससे हम लोग ये इक्वेशन मिलती है हमें, और tn की वैल्यू हम लोग जानते हैं जो अभी पिछले डेरिवेशन में हमने किया था दैट इज rn स्क्वायर ओवर 2r, इस वैल्यू की हम लोग यहां पर पुट कर देंगे। पुट कर दिया हमारे पास में कुछ ये इक्वेशन बनेगी, 2 से 2 कैंसिल, तो rn की वैल्यू हमारे पास में आ गई ये दैट इज 2n माइनस 1 लैम्डा r ओवर 2μ और पूरे का अंडर रूट, दैट्स इट। अगर हमारे पास में ये रेडियस है तो डायमीटर कितना, डायमीटर हम लोग जानते हैं रेडियस का डबल होता है, तो अगर rn इतना है तो डायमीटर इज डबल ऑफ दिस थिंग, हियर इट इज। तो डायमीटर ऑफ nth रिंग जो कि ब्राइट रिंग है वो होगा हमारे पास, तो डायमीटर ऑफ डार्क रिंग के लिए भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले पार्ट डिफरेंस जो कि हम लोग जानते हैं 2μt cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2, कंडीशन ऑफ डार्क रिंग हम लोगों को पता है दैट इज डेल्टा शुड बी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में किया था डेल्टा की इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेट कर देंगे दैट इज 2μt cos थीटा प्लस लैम्डा बाय 2 और 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। यहां से हम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे लैम्डा बाय 2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे इक्वल टू के माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास में रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा 2n लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, क्योंकि लैम्डा बाय 2 को हमने अंदर की तरफ मल्टीप्लाई किया है और ये लैम्डा बाय 2 इक्वल टू के दूसरी तरफ आ रहा है, तो यहां से लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। तो इस इक्वेशन का हमारे पास में सॉल्यूशन होगा, रिजल्ट आएगा 2μt n cos थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। यहां पर भी हम लोग थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे जिससे हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, रिजल्ट विल बी 2μt n इक्वल्स टू n लैम्डा। अगेन tn की वैल्यू rn स्क्वायर बाय 2r यहां पर पुट करेंगे कुछ इस तरीके से, इसको सोल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल और rn की वैल्यू हमारे पास में आएगी दिस rn स्क्वायर, स्क्वायर को यहां से हटाएंगे दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, तो n लैम्डा बाय r, n लैम्डा r बाय म्यू और पूरे का रूट होल रूट। तो अगर rn रेडियस हमारे पास में इतना है तो डायमीटर इसका डबल, तो इस तरह से हमारे पास में डायमीटर ऑफ डार्क रिंग मिलता है अंडर द रूट 4n लैम्डा r बाय म्यू। यहां पर हम लोग म्यू की वैल्यू इक्वल्स टू 1 पुट कर सकते हैं, डायमीटर्स पता करने के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो डेरिवेशन न्यूटन सिंह के लिए आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग फिजिक्स आरटीयू के अकॉर्डिंग, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। हम लोग न्यूटन सिंह को यूज करते हुए किसी भी लाइट की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य को कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग डार्क फ्रिंज का जो अभी हमने डेरिवेशन लिया था जिसका रिजल्ट हमारे पास में आया था डायमीटर ऑफ डार्क रिंग दैट इज 4n लैम्डा r और होल रूट अंडर द रूट 4n लैम्डा r, इस रिजल्ट को काम में लेते हुए हम लोग वेवलेंथ को डिटरमाइन करेंगे। अगर हमारे पास में dn की वैल्यू अंडर द रूट 4n लैम्डा बाय r है तो dn स्क्वायर कितना,
यहां से रूट हट जाएगा, दैट इज डीएन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा आर। इसी तरीके से अगर हमें n प्लस पी एथ नंबर की डार्क रिंग पता करनी हो, अब n प्लस पी एथ रिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको यहां पर रिंग्स नजर आ रही है, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूं। सपोज कि हमारे पास में यहां कोई n नंबर की फ्रिंज है, जैसे कि जहां पर मेरा माउस कर्सर है, यहां पर अगर हम लोग n नंबर की फ्रिंज को अज्यूम करें तो n प्लस पी एथ मतलब कि इससे आगे की फ्रिंज, अगर ये हमारे पास में n नंबर की है तो इससे पी एथ नंबर, कोई भी हम p नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, ये यहां पर कोई p नंबर की फ्रिंज होगी। ये p कोई भी नंबर हो सकता है, हम लोग पहले से अज्यूम कर लेते हैं, जैसे n प्लस 4, n प्लस 5, एज पर आर विश हमारी मर्जी से ये हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में n प्लस पी एथ रिंग के लिए मतलब कि n की जगह पर n प्लस पी पुट करना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में बनेगा डी एन प्लस पी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज 4 n की जगह पर n प्लस पी लैम्डा आर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि इक्वेशन दिस और इक्वेशन दिस, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। मीन्स कि पहले हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे और फिर डी एन स्क्वायर की इस वैल्यू को पुट करेंगे, जिससे हमारे पास में रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से। जब हम इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आंसर विल बी दिस। हमें लैम्डा पता करना है तो लैम्डा को सब्जेक्ट बनाकर यहीं रोक दो, बाकी सारी चीजें इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। तो लैम्डा का आंसर हमारे पास में आएगा डी एन प्लस पी होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पी आर। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि